रिएक्शन कैमरा दो तीन आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। ऐसे नहीं आना है, छोड़ दे ये देखता भाई, जल्दी आ गई बहुत। फाइनली ये देखिए हमारा जो बर्ड का जो टुलवाने हैं वो ये पैक हो गया। अब जाएंगे हम घर की तरफ और घर जाके अनबॉक्सिंग करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं और अतुल भाई की तरफ थोड़ा सा दिखाते हैं, दादा की तरफ। और दादा ये पैक हो गया दादा, कर ले रहा ठीक है और क्या, बढ़िया ठीक है। और ये एक हो रहा है पैक, ये कौन सा हो रहा है, सारे में पैक ही कर देना। ये ब्लू मास्क का पेयर है, कितना शानदार पैकिंग हो रहा है, ऐसा पैकिंग पहली बार देखे होंगे आप लोग। परमानेंट पैकिंग है। और ये भी जा रहे इन दादा के पास, हमारे लिए ये हो गया दादा। थैंक यू। अरे और दादा आपको भी थैंक यू, इन्होंने हमें 10 पेयर अफ्रीकन ग्रे के दिए। थैंक यू दादा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, देखिए फाइनली हम पहुंच गए घर पे और ये हमारे जो पैरेट है ये है, और एक कॉकटेल ये मिठू मेरे, और ये है वजीस, तीन पीस अंदर है और अंदर होगा एक ये है। तो ये और आज का वीडियो जो है जो मेरे पास जो गिफ्ट मिले हैं उसके ऊपर, और इसके अनबॉक्सिंग वगैरह करेंगे वो दिखाएंगे आप लोगों को, और मुझे गिफ्ट में कल क्या क्या दिल्ली से मिला वो सारे कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। और सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद जो अतुल भाई, थैंक यू हमें इतना चीज़ देने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है। और इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं इसमें क्या क्या लेके आए हैं, और हमें और भी कुछ दिया है, और भी एक दादा आए हैं उन्होंने भी कुछ दिया है, उन्होंने क्या दिया है वो भी दिखाएंगे, और पहले तो इनको रिलीज़ करते हैं उसके बाद तो उस दिखाएंगे और वहाँ से क्या क्या लेके आए वो भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं और कॉलोनी की तरफ और दिखाते हैं इनके अनबॉक्सिंग की तरफ। तो ये है हमारी कॉलोनी, चाबी वो भी चाकू को सारा ले लिया, दरअसल रात को मैंने खोला नहीं था उनको क्योंकि ठंडे लग रहे थे, और अभी भी हमारे यहाँ का देखिए कितना ओश वगैरह गिरे पड़े हैं उस चक्कर में, कभी इनको खोलेंगे और आप लोगों को अंदर जाके दिखाते हैं वीडियो। और फाइनली ताला वगैरह खोल दिया और चलते हैं अंदर और दिखाते हैं, और ये आ गए हैं। मेरे पास जो पेयर था वो है, ये जो है मेरा टेम बर्ड है, लेकिन थोड़ा टेम जो है कम टेम है, मतलब ये एस से ले गया था जो मेरे साथ दिल्ली गया था उनके पास से, ये है। और मेरा उनके पास एक मेरा पड़ा है, मतलब एक्सचेंज किए हैं, उनको एक दिया और मैंने लिया। तो ज़्यादा देर न करते हैं, चलते हैं अंदर और आप लोगों को देखिए कितना हड़बड़ा रहे हैं ये लोग खोलने के लिए, और खोल के आप लोगों को दिखाते हैं मैंने क्या क्या लेके आया और क्या क्या दिया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है अंदर आके, और कैमरामैन तो मेरे है नहीं तो इसलिए अभी मैं पहले अनबॉक्सिंग करता हूँ और उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ इसके अंदर से कितने पेयर निकले हैं, बल्कि तो एक ही है, और अभी दिखाते हैं इसके अंदर से क्या निकले हैं। वीडियो के साथ बने रहिएगा। अनबॉक्सिंग का काम तो ये देखिए हम शुरू कर दिए हैं और थोड़ा दिखा भी देते हैं क्योंकि मेन हो गया है ये, और इसके अंदर से ये देखिए बेबी, और ये देखिए इस प्रकार के लेके आए हैं, ये एक निकला और ये एक निकल गया, और हैं बैठे सुस्त बैठे, चलो इसको दिखाते हैं। तो यही मिला है मुझे और दिखाते हैं और भी क्या मिला है वो भी बाहर जाके, और उसके ऊपर भी वीडियो बनाते हैं आप लोगों को दिखाते हैं कहाँ कहाँ बैठा है पता नहीं चल रहा है। तो चलिए बाहर और दिखाते हैं आप लोगों को, बाहर आ गया सब दोनों लोगों को छोड़ के देख पा रहे हैं। और एक समय और ये मेरा जो जावा है ये है, एक ये है, तीन वो है, दो वो, एक ये ऊपर बैठे हैं, और दो मटकी मैंने इधर लगा दिया। एक समय था जो इस कॉलोनी के अंदर आने पे वीडियो इस प्रकार नहीं बना पाते थे, मतलब वॉइस दोबारा डालना पड़ता था, इतने आवाज़ इतनी शोर शराबा इतने सुबह सुबह कि बर्ड्स के ही हम आवाज़ से हम लोग जाग जाते थे सुबह, और इनको
ही अच्छे मॉर्निंग होता था हम लोगों का, तो बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन वही दिन का इंतजार कर रहे हैं फिर से, और मुझे लगता है बहुत ही जल्दी वह दिन आने वाला है, क्योंकि आप लोगों का साथ है, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, उसके लिए भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और बहुत ही अच्छा लगा। और दीपू भाई को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, थैंक यू दादा, आपने ही सेमिनार में बोला, तो सभी लोग मेरे सपोर्ट में हैं दादा, आप टेंशन ना ले, सभी लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत लोगों से मैं खुश हूँ, और बहुत ही अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। और संगीता मैम ने भी मुझे सपोर्ट किए हैं, उन्होंने भी कुछ दिए हैं हमें, तो उससे भी मैं कुछ करूँगा, इस कॉलोनी में खर्चा करना चाहता हूँ, इस प्रकार कुछ बनाऊँगा कॉलोनी में, उनको भी दिखाएंगे उस वीडियो में, जो जो रुपए वो कुछ आए थे हमारे पास पैसे, तो उससे हमने क्या क्या लिया है, और क्या मुझे लग रहा है कुछ उसमें से मैं बता ही देता हूँ, कुछ बजट रख लूँगा और एक सेपरेट केज रख लूँगा, मैं यही सोच रहा हूँ, क्योंकि उसी पैसे से बर्ड्स के ही काम में ही लगाऊँगा, अदरवाइज़ किसी चीज़ में नहीं। तो मुझे अच्छा लगा, थैंक यू, सो बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है कि शुरू से ही आप लोग जैसा साथ दे रहे हो, तो मेरा जैसे फॉर्म था वैसा हो जाएगा, तो थैंक यू। कुछ गिफ्ट ये देखिए, ये मिला है मुझे शुकेश भाई की तरफ से, कुछ गिफ्ट इधर भी मिला है मुझे, ये पिछले वीडियो में मैंने शायद अच्छी तरह दिखा नहीं पाया, ये भी मिला है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है, ये बॉक्स मिले हैं बजीज के लिए, और बहुत ही अच्छा फिनिशिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त करके इन्होंने बना रखे हैं, और ये दे रखे हैं, इसमें लगा पाएंगे आप लोग, सो इसका जो और स्टैक वगैरह है वो इस जगह पे लगाते हैं, एक स्टैक यहाँ के लिए है वो भी दे रखे हैं, और इनका जो फिनिशिंग देखिए कितना मस्त है और ज़बरदस्त है, और ये ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल करवाते हैं, और ये है इनका जो इसका नाम है, और ये है इनका व्हाट्सएप नंबर, अगर किसी को भी चाहिए तो वो इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं और इनसे ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा और बहुत ही सफाई से बनाया है, और एक एक करके मतलब इतना ज़बरदस्त बनाया है कि मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, सब कुछ देखिए कितना ज़बरदस्त, ये पिन वगैरह जो लगाया है वो भी सही है, सिटकिन वगैरह लगाया है, ये देखिए ज़बरदस्त करके इन्होंने बनाए हैं, देखिए ये खोलने का सिस्टम, इसमें आप बजीज जाबा फिंच और ये सब आप इसको इसमें ब्रीड करवा सकते हैं, और इस ये देखिए हैंगन जो टांगने के लिए है, ये देखिए कितने ज़बरदस्त करके इन्होंने ये बनाया है, तो नंबर तो आपको मिलेगा होगा उनसे, अगर कि ऑर्डर कर सक ऑर्डर करना चाहते तो इस नंबर पे आप संपर्क कीजिएगा, उनका व्हाट्सएप नंबर है, और बहुत ही शानदार शानदार केज बनाते हैं, एक बार विजिट करके देखिए और एक बार परचेज करके देखिए इनसे, और बहुत ही यकीन मानिए बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, और सस्ते में भी मिल जाएगा इनके पास, और जो कि कुश भाई से कुश के नाम से जाना जाता है, इनका नंबर वंबर सब देखिए लिखे रखे हैं, तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त बनाते हैं सफाई के लिए, और प्लाई देखिए कितना बढ़िया है, एकदम ज़बरदस्त प्लाई भी है, कोई एकदम कुछ भी नहीं मतलब कुक्कल वगैरह कुछ भी नहीं, बढ़िया जो हर एक प्लाई में देख पा रहे हैं आप लोग, इधर मैं एक और दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए ये भी इतना साफ़ सुथरा प्लाई है, और इनका फिनिशिंग देखिए, कटिंग का फिनिशिंग वगैरह, फिटिंग का फिनिशिंग वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त करके इन्होंने बनाया है, और ये मुझे गिफ्ट किया है इन्होंने 10 पीस, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर गिफ्ट किए हैं, और थैंक यू दादा, थैंक यू, मैं जितना भी आपको बोलूँ मेरे को कम लगता है, और क्या बताएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का आपको ये देने के लिए, मुझे 10 पीस मिले हैं, और बार बार बोल रहा हूँ और क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, और आप लोग मंगाइएगा, और मंगाने के बाद देखिएगा कैसा है बॉक्सेस, इनके पास कन्वेंस से लेके इनसे मंगाएं और एक बार देखें, आपको भी यकीन हो जाएगा, इनके पास हर तरीके के बॉक्स मिल जाते हैं, इसके साथ साथ मुझे और भी गिफ्ट मिला है, अतुल दादा ने दिया है, वो मैं दिखाता हूँ एक मिनट क्या क्या दिया है वो, ये देखिए गिफ्ट आपको एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को, अतुल दादा ने मुझे दिया है अपने घर से ये गिफ्ट, ये देखिए इस प्रकार का कुछ गिफ्ट दिए हैं, और ये है कमरे में लगाएंगे अपने कॉलोनी में इसको,
जो नज़रबंदी कहते हैं वो है ये लगाएंगे हम इसको। और ये एक पता नहीं कैसे लगते हैं, हाँ इस वक्त का लगते हैं, ये भी गिफ्ट मिला है। और जो हमारे एक मैडम है जो अतुल भाई ने कहा है, तो उन्होंने भी मुझे कुछ गिफ्ट किए हैं, वो भी हम बता रहे हैं कुछ। और मैडम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कहना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ। और बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये दिया है। हमारे जो मैम है वो, उनका मैं नाम भी बता देता हूँ, हमारे जो मैम है वो संगीता मैम है। संगीता मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, थैंक यू मैम, थैंक यू देने के लिए, और बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मैम, कभी मिलेंगे मैम, और बहुत अच्छा लगा आपने दिया और मैं बहुत खुश हूँ। और ये है देखिए मेरा एक जो सेपरेट का जो वो है केज, इसमें मैंने इसको मैंने परचेज करके रखा था, ये भी बहुत अच्छा है जो मैं दिखाना चाहूँ चलो। ये देखिए इस प्रकार है, अभी तो खोला नहीं है, ऐसे ही रख दिया इसमें। तो ये वाला जो सेट वो है, मैंने इसमें रखूँगा अपने कॉकटेल वगैरह और इसमें ही ब्रीड लूँगा। ये देखिए कम 8 फीट से भी ऊँचा ही है लग रहा है, इसका लगभग 10 फीट है। और इसमें जो है इसके नीचे, पिछले भी इसके ऊपर वीडियो बना रखा हूँ मैंने, ये देखिए पहिया वहिया सब कुछ बना दिया, बना के रखे हैं। और वेल्डिंग सब कुछ है यहाँ पे, देखिए आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त करके एकदम ज़बरदस्त करके बना रखे हैं। और ये भी कुछ वेल्डिंग किए हैं इधर, ये देखिए सिटकनी वटकनी सब कुछ लगाया है, बढ़िया से बढ़िया बनाया है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, वीडियो यहीं तक ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और थैंक यू सभी भाइयों को, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोगों से मिला। और कल का जो दिन है वो कभी भूल नहीं पाऊंगा, बहुत ही ज़बरदस्त निकला है हम लोगों का, बहुत ही अच्छा लगा कल का जो दिन था। और थैंक यू और धन्यवाद जी आप लोगों को, अतुल भाई, विजय भाई और हमारे दादा खुश भाई, सभी को, विजय भाई सबको मैं थैंक यू दादा, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद जो हमसे मिले हैं। और मुझे पता नहीं था कि आप लोगों से मिले पाएंगे आप लोगों से, तो बहुत अच्छा लगा, सो थैंक यू।